चार फिल्म प्रोडक्शन में एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक ऐसी खूब बेहतरीन, खूबसूरत, यानी जिसको कहा जाता है बिन साजन के सजनी अच्छा नहीं लगता, आज उस अभिनेत्री के पास मैं बैठा हूं कि जो नाम की मोहताज नहीं है। बहुत सारे एल्बम मार्केट में इनके हैं जो अपना जलवा बिखेर चुकी हैं और आज दर्जनों फिल्म करने के बाद फिर बीच में मुंबई से चल के आई हैं नेहा जी, और किसी नाम की मोहताज नहीं है। तो बहुत सारी बातें करेंगे और इस जिला देवरिया, जो हमारी फिल्म यहाँ पे बन रही है देवरिया में, जिस फिल्म का नाम ही है जिला देवरिया, तो इसमें अपना कितना अभिनय और अपनी कला को प्रस्तुत करेंगी, बहुत सारी बातें करते हैं। तो आइए इनसे हम अगला सवाल करते हैं आप सभी के बीच में। और कैसी हैं आप? पहले तो सब लोगों को नमस्कार। मेरा नाम नेहा वहीले है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। आई एम बेसिकली महाराष्ट्रियन, बिलोंग टू नागपुर। आई एम स्टेइंग वर्क फ्रॉम मुंबई, तो मैं मुंबई में ही रहती हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं जिला देवरिया से, मतलब वैसे तो मैंने काफ़ी पिक्चरें की है, बट मेरी, मैं ये मानूंगी मेरे जीवन की कि सबसे, मतलब डेब्यू जो करने जा रही हूँ मैं, तो इसी मूवी से करने जा रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं देवरिया ज़िले में आई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी नाम सुना था पर मैं कभी आई नहीं थी। वैसे तो यूपी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि मैं एक्चुअली, मेरे सिस्टर का ससुराल भी यहीं का है, जौनपुर का। तो और मुझे एक्चुअली भोजपुरी आती भी है, गुजराती आती है, मराठी आती है, बंगाली आती है, तो सारी भाषाएं मुझे आती है। तो बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल, हमारे इस जिला देवरिया में हम यहीं के रहने वाले हैं, आपका भरपूर पूरा स्वागत है यहाँ पे, अभिनंदन है, वंदन है, और बहुत अच्छी बात है। तो इस जिला देवरिया में आप लीड कैरेक्टर कर रही हैं, हीरोइन का? हाँ जी, मैं इसमें लीड कैरेक्टर कर रही हूँ, और एक दबंग कैरेक्टर है जिसको बोलते चुलबुली सी लड़की। और यहाँ इस मूवी में मेरे पापा विधायक बने हुए हैं, तो वो विधायक की लड़की का, जानते हो, एक अलग ही जलवा होता है। हाँ, अलग ही जलवा बिखरना होता है। हाँ बिल्कुल, रंगबाज। वैसे ही तो वैसा कैरेक्टर है। एक बार जब मूवी, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों के सामने एक अच्छा सा, अच्छा प्रेजेंट करें अपने आप को, अच्छी मूवी बने और हमारी मूवी सुपर डुपर हिट हो। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे डायरेक्टर अशोक अत्री जी का, और मेरे इस मूवी के जो नीड न्यू रखते हैं चुन्नू सिंगापुरी जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस मूवी के लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मुझे लीड कैरेक्टर आपने मुझे दिया, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा और आपसे 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि इसके बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद आपके आगे, मतलब कितनी फिल्में की लाइनअप है जो फिर करेंगी अभी? एक मैं पिक्चर आपकी गोरखपुर में ही करने वाली हूँ, मेरा 10 दिन के बाद का शेड्यूल है, और उसका नाम है चौखट। हाँ, तो वो करने वाली हूँ। और 2-3 मूवी अभी एक लाइनअप है, एक मूवी में, एक हिंदी मूवी है, तो वो करने जा रही हूँ। और एक मैं खुद का रियलिटी शो कर रही हूँ, और मेरे भी खुद के चैनल्स हैं, और मेरी कंटिन्यू तो काफ़ी जो आपके चैनल हैं, उस चैनल का नाम प्लीज बता दीजिए, कि जो ऑडियंस आपको, बिल्कुल बिल्कुल, चाहने वाले आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपके भाई वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं तो चाहती हूँ दिल से कि सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, तो वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है नेहा वहीले ऑफिशियल, और दूसरा चैनल है ESR वर्ल्ड वाइड। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी अपना कीमती समय देने के लिए। और 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, बताइए, बोली बोली। और थैंक यू सो मच संतोष जी कि आप यहाँ पे आए और आपने मुझे इस लाइक समझा और मेरा इंटरव्यू लिया, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत है जो हमारे इस जिला देवरिया में आई, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं और मैं सारे ऑडियंस जो चाहूँगा कि आप लोग इनका जो चैनल है एक बार फिर से बता दीजिए, नेहा वहीले ऑफिशियल, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह हमारे इस चैनल को 3 महीने में आप लोगों ने प्यार दिया, उसी तरह इनके भी चैनल को अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए। तो आज का यहीं पे हम बात को अपनी विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।